ब्रेस्ट कैंसर के हमने रिस्क फैक्टर्स पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, एंड नाउ वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ब्रेस्ट कैंसर, जो कि हमारे पास उसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। जो ब्रेस्ट कैंसर होता है ना, वो हमारे पास दो तरह का होता है, ठीक है। इसकी क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो हमने देखा था डक्ट्स होती हैं और लोब्यूल्स होते हैं, तो इन्हीं के अंदर कैंसर अराइज करेगा ना। तो अगर तो डक्ट्स के अंदर हमारे पास कैंसर है तो वो हमारे पास अंदर रह सकता है या डक्ट से बाहर निकल सकता है, ये हो सकता है। या अगर लोब्यूल के अंदर कैंसर है तो वो लोब्यूल्स के अंदर रहेगा या लोब्यूल से बाहर निकल सकता है, ऐसे ही होगा ना। तो अगर डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू की बात करेंगे, नॉर्मल हमारी डक्ट होती है मिल्क डक्ट, लेकिन अगर इसके ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ही अगर कैंसर सेल्स रहते हैं, उसको क्रॉस नहीं करते, तो दिस विल बी डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू। और अगर वो हमारे पास इन्वेड करके बेसमेंट मेम्ब्रेन को बाहर की तरफ, स्ट्रोमा की तरफ जाने शुरू हो जाते हैं, तो उसको हम कहेंगे इन्वेसिव कार्सिनोमा इन सीटू, ठीक हो गया। इसी तरह अगर लोब्यूल्स की बात की जाए, ड्रग्स की हमने बात कर ली है, लोब्यूल्स की अगर बात की जाए तो लोब्यूल्स के अंदर भी दो काम हो सकते हैं, या उनके अंदर कार्सिनोमा इन सीटू रहेगा, या कार्सिनोमा जो है वो हमारे पास इन सीटू नहीं रहेगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा और इन्वेसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा हो जाएगा। तो इसी तरह हमने जो ब्रेस्ट कैंसर है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना होता है, एक ये कि हमारे पास डक्टल कार्सिनोमा है और दूसरा लोब्यूलर कार्सिनोमा है, ठीक है। फिर डक्टल कार्सिनोमा आगे से दो तरह का है, डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू एंड इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। इसी तरह लोब्यूलर कार्सिनोमा जो है वो दो तरह का है, लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सीटू एंड लोब्यूलर इन्वेसिव कार्सिनोमा, ठीक है। अब जो लोब्यूलर इन्वेसिव कार्सिनोमा और कार्सिनोमा इन सीटू है, ये छोटा सा हमारे पास कैंसर है, इसके अंदर कोई चीज़ें इतनी खास याद करने वाली नहीं है। जो याद करने वाली चीज़ें हैं ना, वो डक्टल कार्सिनोमा के अंदर है। पहली बात तो आपने याद रखनी है, जब ये हमारा ये निपल होगा ना, तो यहाँ पे ये एरियोला है इसके इर्द गिर्द, और ये इर्द गिर्द हमारी डक्ट्स इधर से ऐसे जा रही है और लोब्यूल्स में जा रही है। अब जो कैंसर यहाँ पे होगा ना, डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू होगा जो डक्ट्स के अंदर, ठीक है, वो जो यहाँ पे कैंसर होगा, अब वो जो होगा ना, उसका कोई मैस हमें फील नहीं होगा, ठीक है। मतलब अगर किसी को डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू है, डक्ट्स के अंदर कार्सिनोमा है और उसने बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं किया हुआ ना, तो उसको कोई मैस जो है फील नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल क्या होता है, वो कैंसर सेल्स जो हैं वो बाहर की तरफ निप्पल की तरफ आ जाते हैं और निप्पल के ऊपर इन्फ्लेमेटरी चेंजेस टाइप करना शुरू कर देते हैं, तो उसको हम पेजर्स डिजीज़ कहते हैं। तो तब वो है हमारे पास मैनिफेस्ट होता है, अदरवाइज वो अंदर जब तक रहेगा ना डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू, तो वो हमें नज़र नहीं आएगा, ना कोई मैस बनाएगा। लेकिन अगर वही डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू जो है वो बाहर इन्वेड कर जाता है, फिर उसकी मैस जो है वो हमें फील होगी, लेकिन तब तक तो बुरी हालत हो जाती है पेशेंट की, अगर इन्वेसिव कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट हो गया हो तो, ये खतरा होता है इसका डक्टल का। अदरवाइज़ जो है, अगर हम लोब्यूलर कार्सिनोमा की बात करें, तो जो लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सीटू होता है वो भी हमारे पास कोई मैस नहीं बनाता, ठीक है, और हम एक्सीडेंटली ही उसको डिस्कवर कर लेते हैं। तो ये जो कार्सिनोमा इन सीटू होते हैं ना, ये कोई मैस नहीं बनाते, इसकी वजह से हमें नहीं पता चलता कि पेशेंट को कैंसर है या नहीं है, ये बात होती है। सबसे पहले हमने बात करनी है डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू की। जो डक्ट्स होती हैं हमारी, वो लोब्यूल्स में एंटर होती हैं, और हमने बात करनी है कि जो कैंसर डक्ट्स के अंदर ही है अभी, उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं किया, ठीक है। तो डक्टल कार्सिनोमा इज़ अ मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल्स इन द डक्ट्स, लेकिन इनमें कोई इन्वेजन बेसमेंट मेम्ब्रेन की नहीं होगी, ठीक है। और जब हम मैमोग्राफी करेंगे ऐसी जो है ब्रेस्ट की, तो हमें उसके अंदर कैल्सिफिकेशन नज़र आएगी, ठीक है, और ये कोई मैस नहीं बनाते। बस ये है कि हम मैमोग्राफी करते हैं ना, जब मैमोग्राफी इज़ अ टाइप ऑफ स्क्रीनिंग, ठीक है, इसलिए कहते हैं कि अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है तो उसको स्क्रीनिंग करवानी चाहिए, ताकि अगर डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू भी है तो मैमोग्राफी में कैल्सिफिकेशंस हमें नज़र आ जाती हैं, जैसे हमें फैट एंड क्रॉसेस में नज़र आई थी, तो उसमें हम जो है लीड करते हैं टू द कि हम उसको जल्दी से ट्रीट करें। तो इस वजह से मैमोग्राफी पर हमें कैल्सिफिकेशन नज़र आती है, वरना मैस हमें कोई नज़र नहीं आता, ठीक हो गया, ये बात होती है। उसके बाद वो बता रहे हैं मैमोग्राफी कैल्सिफिकेशन जो हैं वो बिनाइन कंडीशंस के साथ भी तो हो सकती है ना, जैसे हमने देखा था कि फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस जो होती हैं उनके अंदर भी हमारे पास कैल्सिफिकेशन हो सकती हैं। जो हमने पीछे फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस पढ़ी थी ब्रेस्ट की, जिसमें हमने सेक्युलराइजिंग एडिनोसिस पढ़ा था, कि जिसमें हमारी जो लोब्यूल्स होती हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है, और उनमें फाइब्रोसिस हो जाती है फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस के साथ, और फैट नेक्रोसिस में भी हमें कैल्सिफिकेशन नज़र आ सकती हैं, ठीक है। तो हमने ये नहीं है कि अभी हमने मैमोग्राफी की, उसमें हमें कैल्सिफिकेशंस मिल गई तो हमने कह देना है कि ये कैंसर है, नहीं, वो फैट नेक्रोसिस भी हो सकता है, वो सिंपल फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस भी हो सकती हैं। लेकिन ये है कि अगर तो फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस हाल ही हैं, ठीक है, और उनमें जस्ट हमारे पास जो है वो हुआ है एपोक्राइन मेटाप्लेजिया है, तो फिर तो कैंसर का रिस्क नहीं है। लेकिन अगर उसके साथ साथ एडिनोसिस सेक्युलरोसिस भी हुआ है, या उसके साथ हमारे पास एटिपिकल सेल्स भी मिले हैं, तो
फिर हमें कैंसर का रिस्क जो है ना वो ख़तरा फील हो सकता है, ठीक है, ये बात होती है। उसके बाद बायोप्सी जब हम इन कैल्सिफिकेशन की करवानी पड़ती है हमें, क्योंकि कैल्सिफिकेशन तो हमारे पास नॉर्मल है, तो फिर हम बायोप्सी करवाते हैं ताकि हमें पता चल सके कि ये सिंपल फैट नेक्रोसिस है, फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस हैं या हमारी डक्टल कार्सिनोमा है, ठीक है, ये बात होती है। उसके बाद हिस्टोलॉजिकल सब टाइप्स होती हैं हमारी डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू की, ठीक है। अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू देने लगी हूँ ताकि आगे आपके लिए ईजी हो। अब होता क्या है, हमारा जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसी तरह हमने किया ना डक्टल कार्सिनोमा और हमारे पास जो है ना लोबुलर कार्सिनोमा। अब डक्टल कार्सिनोमा आगे से दो टाइप्स का है, कार्सिनोमा इन सीटू डक्टल और हमारे पास इन्वेसिव डक्टल। इसी तरह लोबुलर जो है वो कार्सिनोमा इन सीटू है और इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा, यही बात थी। उसके बाद हम करते हैं जो कार्सिनोमा इन सीटू डक्टल होता है ना, इसके आगे से ना दो टाइप्स होती हैं, कोमीडो और नॉन कोमीडो, ठीक है, कोमीडो और नॉन कोमीडो। और जो इन्वेसिव कार्सिनोमा होता है, जो नॉन कोमीडो होती है ना, इसके आगे से टाइप्स होती हैं कुछ, वो पैथोमा में नहीं लिखी हुई, अदरवाइज रॉबिन्स में लिखी हुई हैं, तो हम उसको रॉबिन्स के साथ ही पढ़ेंगे। मैं इनके नाम आपको बता दूंगी जस्ट कि जो नॉन कोमीडो में आती हैं। अब जो डक्टल कार्सिनोमा इन्वेसिव वाला होता है ना, उसकी भी आगे से टाइप्स होती हैं, ठीक है। उसकी आगे से टाइप्स कौन कौन सी होती हैं कि सिंपल सी बात होती है यार, इतनी मतलब इतनी मुश्किल नहीं है ये चीज़ कि अगर इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा है वो हमें ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में नज़र आ रहा होगा तो हम ट्यूब्यूलर कार्सिनोमा कह देंगे उसे। अगर हमें वो म्यूकस ग्लैंड की फॉर्म में नज़र आ होगा तो म्यूसिनस कार्सिनोमा कह देंगे, ठीक है। अगर वो हमें मेड्यूलरी कार्सिनोमा की फॉर्म में नज़र आ रहा होगा तो हम मेड्यूलरी कह देंगे, ठीक है, उसके मतलब जिसमें प्लाज्मा सेल्स वगैरह नज़र आ रहे होंगे हमें बात करते हैं इसके। और अगर हमारे पास जो है कोई इन्फ्लेमेटरी टाइप होगा तो इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा कह देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है, लेकिन जो लोबुलर कार्सिनोमा होता है इसके आगे से कोई टाइप्स नहीं है, तो आपको उसकी टाइप्स करने की याद की जरूरत ही नहीं है। तो ये है कि डक्टल कार्सिनोमा है, लोबुलर कार्सिनोमा है। डक्टल कार्सिनोमा कार्सिनोमा इन सीटू इन्वेसिव, लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू इन्वेसिव, ठीक है। डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू में आगे से क्या है, जो उसकी है कार्सिनोमा इन सीटू, उसकी दो टाइप्स है, कोमीडो नॉन कोमीडो, ठीक है। और इन्वेसिव की जो डक्टल कार्सिनोमा की टाइप है उसमें आगे से चार तरह के पैटर्न्स मिलते हैं हमें, मेड्यूलरी मिलते हैं, ट्यूबुलर मिलते हैं, मतलब ट्यूबुलर की फॉर्म में मिल सकते हैं, मेड्यूलरी की फॉर्म में मिल सकते हैं, इन्फ्लेमेटरी मिल सकते हैं या म्यूसिनस मिल सकते हैं, MM, ठीक है, और TI, ये होती है। अब देखिए ये जो हमारे पास कोमीडो टाइप होती है ना, वही यहाँ पे लिखी हुई है जस्ट कि हमें कोमीडो टाइप में जो है ना क्या मिलते हैं, नेक्रोसिस और कैल्सिफिकेशंस मिलती हैं सेंटर ऑफ डक्ट्स में, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपको ऊपर दिखाया होगा, ये डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू है, ठीक है। डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू क्या है, ये डक्ट है, उसके बिल्कुल सेंटर में आपको ये जो रीजन नज़र आ रहा है ये एक्चुअली यहाँ पे नेक्रोसिस और कैल्सिफिकेशंस होती हैं, तो ये कोमीडो टाइप होती है इसकी, ठीक है। नॉन कोमीडो में ये नहीं होता, उसमें ना हमारे पास पिपिल्ले बने होते हैं या माइक्रो पिपिलरी प्रोजेक्शन होती हैं या क्रिबरी फॉर्म की फॉर्म है, वो डिफरेंट होती हैं इससे ना, इस वजह से हमको नॉन कोमीडो में ऐड करते हैं। पेजर्स डिजीज़ मैंने आपको बताया, वैसे तो डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू कोई मैस प्रोड्यूस नहीं करता और हमें मैमोग्राफी पे ही नज़र आता है कि उसके अंदर कोई चीज़, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि वो जो डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू के कैंसर होता है ना वो आगे निप्पल की तरफ से बाहर आना शुरू हो जाते हैं उनकी चीज़ें, ठीक है। तो फिर हमें जो पेजर पीट फिर हमें निप्पल के ऊपर जो चेंजेस नज़र आती हैं, तो उससे स्किन ऑफ निप्पल पे जो हमें चेंजेस नज़र आती हैं ना, तब हमें पता चलता है निप्पल की अल्सरेशन और इदमा से कि अंदर कोई मसला चल रहा है। इसलिए वो कहते हैं ना आजकल ब्रेस्ट की अवेयरनेस, हमें ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस फैलाई हुई है कि आपको कोई भी ब्रेस्ट पे इस तरह की चेंजेस नज़र आएँ तो आपने डॉक्टर के पास आ जाना है। तो वो इसी वजह से कहते हैं कि डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू जो होता है वो आगे की तरफ अगर उसने अपने आप को शो करना होता है ना, तो वो निप्पल के अल्सरेशन या रिदमा स्टार्ट कर देता है, जिससे पेशेंट जो है उसको चाहिए कि वो जल्दी डॉक्टर के पास जाए, तो चेक करवाए कि वेदर इट इज़ समथिंग कैंसर टाइप और नॉट, ठीक है। पेजर डिजीज़ ऑफ ब्रेस्ट जो है ये हमारे पास अंडरलाइन कार्सिनोमा के साथ एसोसिएटेड है, मतलब ये कि जैसे एक वो नहीं होता कि एक छुपी हुई चीज़ को बता देता है, ये एक निशानदेही कर देता है कि कहते हैं अल्लाह ताला के गिफ्ट हो सकता है ये, कि अल्लाह ताला ने हमें ये ना एक वो रखा हुआ है कि इसे वो शो करेगा कि कैंसर है नीचे, ठीक है, तो ये होता है। अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास होता है इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। पहले मैं आपको बता ही देती हूँ कि इसकी जो टाइप्स होती हैं ना, जो ये पैथोमा में नहीं लिखी हुई लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि जो हमारे पास डक्टल कार्सिनोमा सीट होती है वो कोमीडो टाइप उसकी ये होती है, दरमियान में नेक्रोसिस और कैल्सिफिकेशन मिलती है, बाकी उसकी सारी टाइप्स ये है, ठीक है।
क्रिबरी फॉर्म, मतलब कि जैसे वो छलनी नहीं होती उस तरह की, आपको ये सीव लाइक अंदर से एरियाज मिलते हैं कैल्सिफिकेशन के, नेक्रोसिस के। सॉलिड में आपको कोई ऐसा नहीं मिलता, सॉलिड में बिल्कुल इस तरह से होता है। माइक्रो पिपिलरी में माइक्रो पिपिले मिलते हैं, पिपिलरी के अंदर पिपिलरी प्रोजेक्शन मिलती हैं। तो इसीलिए ना हम इनको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं। ये सारी नॉन कोमीडो की टाइप है, वो कोमीडो था, ये नॉन कोमीडो है। नॉन कोमीडो में क्रिबरी फॉर्म, सॉलिड, माइक्रो पिपिलरी प्रोजेक्शन, पिपिलरी वाला, ठीक है। ये हमारे पास पेजर डिजीज ऑफ निपल है, ये एक्चुअली हमारे पास बताता है कि इसके नीचे जो है ना छुपा हुआ कैंसर है, ठीक है। इसमें आपको क्या नज़र आ रही है, सारी जो निपल है वो उसकी जो अपेयरेंस है वो ख़त्म हो गई है, निपल जो प्रॉपर होता है वो नहीं है, अल्सरेशन हुई हुई है, इर्द गिर्द रेडनेस हुई हुई है, रिदमा हुआ हुआ है, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारे पास निपल की रेडनेस, स्केलिंग और फ्लेकिंग होना शुरू हो जाती है। ये हमें बताता है कि नीचे अंडरलाइंग है इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, ठीक है। सॉरी, ये जो है ना इन्वेसिव नहीं होगा, कार्सिनोमा इन सीटू हमें बताएगा ये, ठीक है। वैसे तो ये खर्च उसके केस में भी हो सकता है। वैसे पेजर सेल्स हमें इस तरह के नज़र आ रहे होते हैं। पेजर सेल्स कैसे होते हैं, लार्ज न्यूक्लियोलाय होते हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं, बड़े बड़े इनके न्यूक्लियस होते हैं, प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाय होते हैं अंदर, ठीक है। साइटोप्लाज्म इनका क्लियर होता है, साफ सुथरा, इस तरह के हमारे पास जो है ना सेल्स नज़र आ रहे होते हैं। फिर ये आगे मैंने बताया हुआ कि इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा जो है, इसमें ये हमारे पास ये निप्पल होता है, आगे पीछे ये सॉलिड ग्रे वाइट मैस होता है, इरेगुलर स्टेलेट आउटलाइट्स होती हैं, इन्फिल्ट्रेटिव बॉर्डर्स होते हैं, और इर्द गिर्द जो है नॉर्मल ब्रेस्ट का पेरेन्काइमा दिखाया हुआ है। अभी जो हम आगे पढ़ने लगे हैं ना इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, अभी जो हमने पढ़ा है वो डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू था, जो अंदर था, अब वो इन्वेड कर चुका है। उसमें हमारे पास जो टाइप्स हमने पढ़नी है ना वो ये हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताई हैं, ट्यूबुलर, म्यूसिनस, मेड्यूलरी, इन्फ्लेमेटरी। मेटाप्लास्टिक इसमें नहीं है, पैथोमा में तो आप यही याद कर लें, ट्यूबुलर, म्यूसिनस, मेड्यूलरी, इन्फ्लेमेटरी, इनके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा जो होता है ये डक्ट लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है, ठीक है, डक्ट लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है, तो इसलिए हम इसको इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा कहते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इन्वेसिव कार्सिनोमा जो हमारे पास ब्रेस्ट में होता है वो यही होता है, ठीक हो गया। इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो जो पेजर डिजीज में निपल के पेरेंट्स चेंज होती है वो पेशेंट्स को बताई जाती है, क्योंकि मोस्टली यही कैंसर होता है, ठीक है, और पेजर डिजीज़ की वो होती है फिर। अच्छा, इसमें मैस आता है, फिर ये मैस के प्रेजेंट करता है, तो इस वजह से कहते हैं, जैसे ही आपको कोई मैस, आपको ब्रेस्ट में कोई लंप फील हो रहा है, कोई निपल की चेंजेस फील हो रही है, तो जी आप बताया करें, ठीक है, आके डॉक्टर को बताएं। फिजिकल एग्ज़ाम से हमें पता चलता है और मैमोग्राफी से पता चलता है, ठीक है। अब जो ये मैस होता है ना, ये 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो तो ये हमारे पास डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है। और मैमोग्राफिकली डिटेक्टेड मैसेज जो होते हैं वो 1 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा होते हैं। तो अगर ये वैसे 2 सेंटीमीटर जो है क्लिनिकली डिटेक्ट होता है, मतलब 2 सेंटीमीटर से बड़ा होगा, तो हम उसको पैल्पेट करके पता लगा सकते हैं। और अगर 2 सेंटीमीटर से छोटा है, मतलब 1 सेंटीमीटर, तो मैमोग्राफिकली भी हमें डिटेक्ट हो सकता है। इट मीन्स कि मैमोग्राफी में ज़्यादा अच्छे मतलब नज़र आता है, ठीक हो गया। एडवांस ट्यूमर जो होते हैं उसकी वजह से तो वैसे ही जो है ना डिम्पलिंग ऑफ स्किन शुरू हो जाती है और रिट्रैक्शन ऑफ निपल शुरू हो जाता है। एडवांस ट्यूमर्स तो वैसे ही निपल का बेरा कर देते हैं और डिम्पलिंग ऑफ द स्किन करना शुरू कर देते हैं। बायोप्सी जब हम करवाते हैं तो हमें डक्ट लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, डेस्मो प्लास्टिक जो है स्ट्रोमा मिलता है, मतलब कि स्ट्रोमा सही जो है ना थिक हुआ होता है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके आगे से टाइप हमने बात करनी है, ट्यूबुलर कार्सिनोमा, म्यूसिनस कार्सिनोमा, आगे मेड्यूलरी लिखे हुए हैं, इन्फ्लेमेटरी लिखे होते हैं। ट्यूबुलरी में हमें क्या नज़र आएगा, इनके नाम से पता चल रहा है, वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूब्यूल्स नज़र आएंगे जिनमें मायोएपिथेलियल सेल्स नहीं होंगे, ठीक है। और इनका गुड प्रोग्नोसिस होता है, बहुत खुशी की बात कि गुड प्रोग्नोसिस है, क्यों, क्योंकि इनका एक पेरेंट्स है ना, मतलब ट्यूब्यूल्स बनाई हुई हैं, कोई नज़र आ रहा है कि ट्यूब्यूल्स हैं, तो इट मीन्स कि ये इसका प्रोग्नोसिस अच्छा हो सकता है, ठीक है। एक होता ना बिल्कुल पुअरली डिफरेंशिएटेड, समझ ही नहीं आ रही होती क्या है ये, तो इसने फिर भी मतलब नज़र आ रहा है, कोई डिफरेंशिएटेड है, ट्यूबुलर है, ठीक है। फिर आते हैं म्यूसिनस कार्सिनोमा। म्यूसिनस कार्सिनोमा जो होता है, इसमें हमारे पास कार्सिनोमा होता है जिसमें एक्स्ट्रा सेलुलर हमारे पास जो है म्यूसिन होता है, ट्यूमर जो है वो म्यूसिन पूल में, ये म्यूसिन सारा होता है और उसमें हमारे जो ट्यूमर सेल्स होते हैं ना वो स्विमिंग कर रहे होते हैं, ये ऐसे याद करके लें। नीचे म्यूसिन का पूल है, स्विमिंग पूल बना हुआ है, ऊपर ट्यूमर सेल्स जो है वो स्विमिंग कर रहे हैं। तो ये इन्होंने पेजर डिजीज ऑफ निपल दिखाया हुआ है, रिदमा ऑफ द अल्सरेशन ऑफ द स्किन दिखाई है, और इसके नीचे आपको ये वाली जो है इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा है, ये ट्यूबुलर कार्सिनोमा, ठीक है, ये ट्यूब्यूल्स बनी हुई है, ये नज़र आ रही हैं ट्यूब्यूल्स। म्यूसिनस में ये देखें, म्यूसिनस सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं ऐसे करके, इसमें म्यूसिनस जो ट्यूमर सेल्स हैं ना म्यूसिन प्यूल के अंदर जो है वो है, ठीक है, सॉरी, ये आपको म्यूसिन नज़र आ रहा है, ये सारा इर्द गिर्द ये ट्यूमर सेल्स जो है वो उसके अंदर तैर रहे हैं, ठीक है। तो म्यूसिनस कार्सिनोमा, तो ये जो होता है, ये जो म्यूसिनस कार्सिनोमा होता है, ये ज़्यादातर जो ओल्डर वुमेन होती हैं उनमें कॉमन होता है। इसका गुड प्रोग्नोसिस होता है, इसका भी गुड प्रोग्नोसिस है, क्यों, क्योंकि समझ आ रही है ना कौन सा कैंसर है, ठीक है। मेड्यूलरी कार्सिनोमा जो होता है, ये लार्ज हाई ग्रेड सेल्स होते हैं,
ठीक है। इनमें क्या होता है, इनमें लिम्फोसाइट जो प्लाज्मा सेल्स ज़्यादा होते हैं, ये वेल सर्कमस्क्राइब्ड मैस बनाता है और ऐसे लगता है जैसे फाइब्रो एडिनोमा है। मैमोग्राफी पर ये फाइब्रो एडिनोमा लग रहा होता है, ठीक है। तो फाइब्रोएडिनोमा का हमने देखा था ना, मैस बना होता है, मोबाइल होता है, हिल रहा होता है, बिनाइन न्यूप्लाज्म था प्री मेनोपॉजल वुमेन में और उसमें ईस्ट्रोजन सेंसिटिव था, तो ये फाइब्रोएडिनोमा की तरह ना मैमोग्राफी पे नज़र आता है। तो इसका भी गुड प्रोग्नोसिस है क्योंकि समझ आ रही होती है, प्लाज्मा सेल्स वगैरह नज़र आ रहे होते हैं। और यह है कि इसमें जो बर्सा वन के लोग होते हैं ना, बर्सा वन कैरियर्स, मतलब के जीन्स जिनके अंदर इस तरह की होती हैं, जेनेटिकली इनहेरिटेड कैंसर इनमें ज़्यादा कॉमन होता है। फिर होता है इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा। इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा जो होता है, इसमें हमारे पास कार्सिनोमा होता है डर्मल लिम्फेटिक्स में, ठीक है। कैरेक्टराइज बाय कार्सिनोमा इन द डर्मल लिम्फेटिक्स, मतलब के जो हमारे पास इर्द-गिर्द की स्किन की लिम्फेटिक्स है ना, उनके अंदर ये कार्सिनोमा जो है ना करेक्टराइज होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इसमें ना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा से ना, ये समझ आती है कि जो ब्रेस्ट है ना उसके ऊपर ऐसे लगता है कोई इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आई हुई है, रेडनेस हुई होती है ना ब्रेस्ट में, तो इन्फ्लेम्ड स्वॉलन ब्रेस्ट होती है, ऐसे लगता है कि एक्यूट मैस्टाइटिस है ये, ठीक है। लेकिन इसमें कोई अच्छा सा मैस नहीं बना होता तो हम इसको एक्यूट मैस्टाइटिस समझ लेते हैं और इसका पुअर प्रोग्नोसिस होता है, मोस्ट खतरनाक किस्म का कैंसर है ये, ठीक है। तो ट्यूबुलर कार्सिनोमा, मेडुलरी कार्सिनोमा, म्यूसनस कार्सिनोमा अगर किसी को है तो वो ये है कि वो लोग क्योंकि वेल डिफ्रेंशिएटेड है, समझ आ रही है ट्यूबुल्स है, म्यूसनस है या मेडुलरी है, प्लाज्मा सेल्स वगैरह नज़र आ रहे होते हैं, तो उनका अच्छा प्रोग्नोसिस होता है। लेकिन जो इन्फ्लेमेटरी है ये तो खतरनाक किस्म का है, आता भी इन्फ्लेमेशन की फॉर्म में, ऐसे लगता है किसी को इन्फ्लेमेशन सिंपल हुई भी है एक्यूट मैस्टाइटिस के साथ, मतलब एक्यूट मैस्टाइटिस के सिम्टम्स पेशेंट लेके आता है और हम समझते हैं एक्यूट मैस्टाइटिस है, उसको एंटीबायोटिक्स की ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा देते हैं, बाद में पता चलता है इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा की खतरनाक टाइप थी। इसलिए आपके पास कोई पेशेंट ऐसे आई जिसकी ब्रेस्ट, ऐसे मैंने आपको एक्यूट मैस्टाइटिस की ब्रेस्ट दिखाई थी, उस तरह की ब्रेस्ट लेके आती है, रेड हुई होती है, स्वॉलन हुई होती है, तो आपने रूल आउट करना है कि कहीं इसको कैंसर तो नहीं है इन्वेसिव इन्फ्लेमेटरी टाइप। ये देखें ज़रा, कुछ समझ आ रही है इसकी बायोप्सी से कि इसके अंदर क्या है, कोई ट्यूब्यूल्स नज़र आ रही हैं, कोई हमारे पास म्यूसनस सेल्स नज़र आ रहे हैं, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। और बाहर से देखो ऐसे मासूमों की तरह इन्फ्लेमेशन की हुई है, बस खतरनाक वाली है ये, ठीक है। तो बाकी हम नेक्स्ट पार्ट से करते हैं।